अरे आज तो लगता है कहीं दिन खराब न हो जाए, बिल्कुल बादलों जैसा दिन लग रहा है। जाता हूँ जल्दी जल्दी सबको दूध दे आता हूँ। ओ कलमुहे सुन जरा। अरे मौसी आ रहा हूँ, सुनो जल्दी जल्दी दूध का बर्तन लाओ, मैं निकलूँगा। अरे रे जा जरा सा, ये जो जामुन लगे हैं जरा मेरी मदद कर दे, तोड़ दे इन जामुनों को। अच्छा मौसी तोड़ देता हूँ। मौसी थोड़ा जल्दी करो। हाँ हाँ लेके आई, ये ले दे दे इसमें दूध। चलता हूँ मौसी। अरे रे रुक रुक, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। क्या है मौसी, बाद में लूँगा अभी जाने दो। अच्छा जा, ऊपर वाला तुझे अच्छा दिन दिखाएगा, ने मेरी मदद की है, तेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा देख लेना। अच्छा मौसी निकलता हूँ मैं। ओ गुन्नू भैया, अरे जल्दी निकलो भैया, अपना दूध का पतीला लेते आना। अरे आगे कालू भैया। हाँ भाई दे दो ये दूध। भैया थोड़ी देर यही ठहरना, मैं अभी आता हूँ। अरे जल्दी आना, ज्यादा देर मत करना, और भी जगह जाना है, देख नहीं रहे हो, लगता है कहीं मौसम खराब ना हो जाए। क्या है ये गुन्नू तो अंदर गया है तो अभी तक बाहर आ ही नहीं रहा है, मुझे जाना भी है, जा रहा हूँ मैं, बाद में देखूंगा। अरे अरे रुको कालू भैया रुको। ये लो कालू भैया बच्चे को दे देना। अरे मुझे पता रहता कि इसलिए रोक रहा है तो मैं ज्यादा देर रुकता नहीं। अरे ले लो ले लो। भैरव भैया जल्दी से दूध लो, मुझे और भी जगह जाना है। आया आया अभी आया। हेलो भैया ये जग्गू के लिए है, जग्गू को खिलाना। अच्छा अच्छा ये तो मंगरू का घर है, क्या हो गया मंगरू को, जरा जाकर देखूं तो सही। अरे मंगरू क्या हो गया, क्यों रो रही है भाभी। अरे क्या बताऊं कालू भैया, अब बच्चे को बुखार है, दवा दिया है, अब धीरे धीरे बुखार उतर रहा है, ये मान ही नहीं रही है, ये कह रही है कहीं और चलो, जल्दी से बुखार नहीं उतर रहा है। अरे कहाँ दिखलाया था, उल्लू बैद जी के पास गया था, उसने ही दवाइयाँ दी है। अरे अरे इसमें घबराने की क्या बात है, ठहरो मैं जरा सर छू कर देखता हूँ। अरे बुखार तो सचमुच उतर रहा है, अब धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, इसे अच्छा खाना खिलाओ, बढ़िया से खाना दोगे शरीर में ताकत होगा तो सब ठीक हो जाएगा। लाओ एक बर्तन लाओ तो मैं उसमें दूध दे देता हूँ, इसे दूध पिलाना। अरे कालू भैया आप तो ये सारी चीजें दे रहे हो, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे मैंने पैसे मांगा क्या मंगरू, जा तू पहले अपने बच्चे को अच्छे से खाना खिला। अरे ये बच्चा यहाँ कहाँ से आया, अरे तुम कहाँ से आए हो। मेरी अम्मा उधर है।
भैया मेरे बच्चे को भूख लगी है, एक प्लेट खाना दे दो। अरे ऐसे तुम्हारे जैसे भिकमंगे खूब आते हैं, क्या करूं? बांटता रहूं खाना, ये सब नहीं चलेगा, मैं नहीं बांट सकता। ऐसे है तो खाना लो और नहीं है तो रास्ता न पो। अरे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरे कालू भैया क्यों बीच में पड़ते हो तुम? अरे ये होगी कहीं से आई होगी, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे ये लो 50 रुपए और एक प्लेट खाना इसे दे दो। ये ले, वो तो उस भला हो कालू का जो बीच में आ गया, वरना तू आज भूखी रह जाती। बाबा, ओ बाबा, लो तुम्हारा दूध आ गया है। अरे बाबा आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लाया हूँ। क्या लाया है तू? बाबा ये लो, ये 2 आम खाओ, किसी ने मुझे दिया था, तुम ही खा लो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें ज्यादा जरूरत है। अच्छा चलो बढ़िया है, ये खाऊंगा, मैं बहुत दिनों से नहीं खाया है। आज धरा गया है ये यहाँ पे। अरे कालू कब पैसे लौटाएगा तू मेरा? मालिक लौटा दूंगा, अभी तो इस महीने जरा भी फायदा नहीं हुआ है, अगले महीने लौटा दूंगा। मुझे थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। अरे अम्मा लो ना, दे रहा हूँ। वाह 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 वाह, देखो खुद को खाने को पैसे नहीं है और ये बांटता फिर रहा है फ्री में दूध। तू मेरा अगर कर्जा नहीं चुका पाएगा, 3 महीने का वक्त देता हूँ तो सारा कुछ छीन कर जमीन पर ला दूंगा, फिर यहीं पर बैठकर भीख मांगना। बड़ा लोगों को दान देता फिरता है। हाँ घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। मालिक ऐसा नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है, कोई अगर मेरे सामने रोता भी लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। अरे तो क्या चाहता है, मैं भी रो भी लग कर अपना पैसा मांगूं? मेरा पैसा चुपचाप मुझे दे देना। अरे भाई कालू इसका पैसा क्यों नहीं दे देते हो? अब मेरा चील बहुत भूखा रहता है। क्यों चील? हाँ मालिक, मालिक बोलो तो इसे अभी उठा लूं। अरे नहीं नहीं, थोड़ा भला कौवा है, इसे थोड़ा वक्त देते हैं, देखते हैं। चलो 6 महीने का वक्त दिया, जल्दी से जल्दी हमारा कर्जा लौटा देना। बिजली कह रही थी आईना लाने को, चलो आज इतने पैसे तो हैं, इस आईने को लेकर जाता हूँ। ये देखो मैंने चाकू खा लिया, चाकू मेरे पेट में चला गया। ये देखो मैंने ग्लास खा लिया, ये मेरे पेट में चला गया। अरे वाह, पता नहीं ये कैसे जादू कर रहा है, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ, क्या कोई ऐसा कर सकता है? चाकू खाने से तो पेट ही फट जाएगा। अरे अरे ओ काले कौवे, तेरे हाथ में क्या है? आईना है जी, लाओ लाओ दो इसे, मैं जादू दिखाता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम छू, मेरा आईना कहाँ है? अरे जो है इस लाल कपड़े के नीचे ही है। मेरा लेकिन आईना, अरे उठा के देखो, हीरे मोती जवाहरात जो होंगे, जो तुमने दिया होगा वो इस कपड़े के नीचे होगा। अरे इसके नीचे तो लौकी है, मैंने तो आईना खरीदा था। अरे ये जो है तेरा है, चलो अब मैं चलूं, मैंने पैसे समेट लिए हैं। ओ कलमुहा इधर आ, इधर आया मौसी। बोलो मौसी। अरे
है, मैंने एक दर्जन केले रखे थे, ले जाना अपने बच्चे के लिए। अच्छा ले जाऊंगा। अरे रे क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? मौसी तुमने सुबह कहा था मेरा दिन अच्छा जाएगा, देखो मेरे दिन भर की कमाई है ये लौकी। ये क्या कह रहा है तू? हाँ मौसी, एक जादूगर ने मुझे बुद्धू बनाकर मेरा आईना रख लिया और मुझे लौकी थमा दिया, बताओ अब इसका क्या करूँ? अरे रे रे इसका तू एक काम कर, आंगन में इसे चुपचाप मिट्टी के नीचे दबा देना, उसके बाद देखना क्या होता है। ठीक है मौसी, ये भी कर लूँगा। बाबा क्या लेके आए हो? अरे केले लेकर आया हूँ, ये ले। महाजन के लोग आए थे और चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, कह रहे थे कुछ दिनों में हमें ये घर खाली करना होगा, तुमने पैसे का इंतजाम किया कि नहीं? अरे अभी 6 महीने है मेरे हाथ में, 6 महीने में कुछ न कुछ इंतजाम कर लूँगा, तुम परेशान मत हो, तुम एकदम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। पता नहीं क्या अच्छा होगा और कब अच्छा होगा। चलो मैंने खाना बना रखा है, खाना खा लो। अरे आज तो खूब बारिश हुई है, न जाने खेतों का क्या हाल हुआ हो। अरे एक दिन में लौकी के इतने बड़े पौधे। अरे बाप रे इतना सारा लौकी, मैं इसे तोड़ कर बेच आता हूँ, क्यों बिजली? हाँ जी इसे बेच आओ। अरे रे रे एकदम बुद्धू के बुद्धू रहोगे, इन लौकियों के बनाओ मुरब्बे और साल भर बेचो, देखना मुनाफा ही मुनाफा होगा। अरे वाह ये तो मौसी एकदम ठीक कह रही है, चलो बिजली मुरब्बा बनाते हैं। ले जाना और ले जाकर मिठाई वाले को बेच दे, ऐसे भी तेरे घर में तांता लग जाएगा, ये इतने अच्छे मुरब्बे बने हैं। अब हो गए हमारे पास पूरे पैसे, मैं जाता हूँ और जाकर मुखिया को लौटा आता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो 3 महीने ही हुए हैं, 3 महीने फिर भी हमारे हाथ में है। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना है, क्या पता कल को क्या सुनाने लगे, क्या उसके मन में आ जाए। मैं जाता हूँ पैसे दे आता हूँ और अपने घर के कागजात ले आता हूँ। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे कालू आ गया तू? हाँ मुखिया जी, ये लो आपके सारे पैसे, मुझे मेरे घर के कागजात दे दो। अरे वाह तूने आखिरकार पैसे जुगाड़ कर ही लिए। कालू तू है तो बहुत अच्छा, पर क्या करूँ मुझे सख्त होना पड़ता है, गंदा है पर धंधा है, काम मेरा इसी से चलता है। देख मैं तुझे उल्टा सीधा न कहता तो तू आज इतना बड़ा व्यापार कैसे फैला लेता, तूने तो अच्छा खासा व्यापार फैला लिया है, अच्छी खासी कमाई हो रही है तेरी। हाँ मालिक इसलिए मैं आपके लिए मुरब्बे भी लेते आया हूँ, ये लो मालिक इसे खाओ। वाह वाह कालू, कहते हैं दिल हो तो कालू जैसा हो। अरे ओ मुनीम कहाँ है, इसके कागजात लौटा दे मुनीम। हाँ मालिक अभी लेकर आया।
ये लो कालू भैया, हम तो चाहते ही थे आपका सब कुछ अच्छा हो। चलो बढ़िया है, एक आध मुरब्बे कभी कभी हमारे घर भी पहुंचा दिया करो। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आते समय मेरे घर आ जाना, मैं दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वक्त बदलता है तो सब बदल जाते हैं। कितनी सारी बातें सुना रहे थे उस दिन और आज कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। ये लोग ऐसे ही हैं। अरे इसे निकालो। नहीं नहीं, अरे दीदी ऐसे मत करो, पर तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे भैया देख क्या रहे हो, ये जब तक घर में रहेगी ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहेगी, इसे निकाल कर बाहर फेंको। हाँ छोटे ठीक कह रहा है तू। अरे ओ गिन्नी, सुन रही हो? नहीं मुझे नहीं सुनना है, सोने दो अभी। कितना अच्छा मौसम है, बाहर बारिश बारिश हो रही है, क्या सुनाना चाहते हो? अरे देखो ना, मीनू मौसी के घर में चिल्लम चिल्ली हो रही है, क्या बात है, जरा देखो तो सही। अरे दीदी मुझे नहीं जाना है, सुबह सुबह झूठ मूठ का मिकिस के घर भेज रहे हो। मीनू मौसी की जुबान कितनी खराब है, जरूर उन्होंने कुछ कहा होगा तभी बेटे नाराज हो रहे होंगे। अरे पता नहीं, लेकिन मीनू मौसी रो रही थी, मैंने जहाँ तक सुना उसमें उनके बेटे कह रहे थे निकलो निकलो। अरे तो निकालने दो, इसमें मेरा क्या। अरे जाओ ना गिन्नी, एक बार देखो तो सही, अगर वैसा करेंगे तो बुढ़ापे में कहाँ जाएगी मीनू। अच्छा अच्छा जाती हूँ, ऐसा लग रहा है सारा दर्द तुम्हारे ही पेट में हो रहा है। अरे मीनू मौसी घर में हो क्या? कौन आया है? दीदी गिन्नी देख बिटिया, जरा समझा इनको, ये तो मुझे घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं। हाँ ये हमारी माँ है, इसमें बाहरी का किसी का काम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे मामले में कोई दखल मत दो। अरे मैं क्यों दखल देने जाऊंगी, तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस हल्ला गुल्ला देखकर मैंने सोचा कि यहाँ पर शायद मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं आ गई। मैं तो बस चीनी लेने आई थी। चीनी नहीं है हमारे घर में, खत्म हो गया है, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ जा रही हूँ। तुम माँ बेटे तो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हो, जिंदगी में कभी आराम से रहना सीखा है? अरे बड़ी आई हमें सिखाने वाली, जाओ जाओ यहाँ से, चुपचाप जाओ। और बुढ़िया तू, अरे भैया देख क्या रहे हो, इसका सामान फेंकना शुरू करो। ये क्या किया, नाच पीटो, तुम लोगों को इस दिन के लिए इतना बड़ा किया था। मौसी मैं जा रही हूँ घर। अरे दीदी तू मुझे छोड़कर जा रही है, ऐसा मत कर। मौसी मैं क्या कर सकती हूँ जब तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हें निकाल रहे हैं, हालांकि इसमें उनका भी दोष नहीं है, तुम करती ही हो ऐसा, इतना परेशान करती हो, इतनी गंदी तुम्हारी जुबान है, कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा। अरे रे वाह वाह वाह, आज मेरी जुबान गंदी हो गई है, और मैंने जो गांव वालों की इतनी मदद करी थी वो कहाँ चला गया, वो सब पानी में चला गया ना। देखो मौसी मैं तुमसे सुबह सुबह झगड़ा करने नहीं आई हूँ, वो तो मेरे पति ने कहा जाकर देख लो हल्ला गुल्ला हो रहा है, मैंने सोचा तुम्हारे बेटों को समझा दूंगी तो शायद मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम तो समझना ही नहीं चाह रही हो। चलो मैं जा रही हूँ। चली जाऊंगी, अगर मेरी जरूरत इन्हें नहीं है तो मुझे भी नहीं है, चली जाऊंगी कहीं दूर चली जाऊंगी, जहां ये नजरें ले जाए वहीं चली जाऊंगी। भूख भी लग गई है, चलते चलते थक भी गई हूँ, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं ऊपर वाले ऐसी कौन सी गलती करी थी जिसकी सजा तुमने दे दी।
अरे मैंने तुम्हें सजा कब दे दी? ये बुढ़िया मेरे ऊपर क्यों बार बार इल्जाम लगा रही है? जरा नीचे जाकर देखता हूँ। अरे कौन हो तुम? अरे रे रे, अब इसकी ही शक्ल देखनी बाकी थी। अरे नास पीटे, तू कहाँ से आ गया? अरे मैं तो, मेरा घर है, मैं ऊपर रहता हूँ। बार बार मुझे क्यों कोस रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। अरे रे रे, मैं तुम ऊपर वाले की बात नहीं कर रही हूँ, सबसे ऊपर वाला जो उधर आसमानों में रहता है। अच्छा अच्छा, मैं समझा तुम मुझे कह रही हो। वैसे इतनी दुखी क्यों हो? क्या बताऊँ, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया। अच्छा, फिर अभी कहाँ जाओगी? नहीं पता मुझे कहाँ जाऊँगी, लेकिन भूख लगी है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ, तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। ये लो, ये खाना खाओ। अरे इतने समय बाद कुछ अच्छा खाया है। अरे बड़ा अच्छा खाना बनाया है तूने। हाँ ये खाना अच्छा है, लेकिन मैं कोई भी खाना खुद से नहीं बनाता, मेरे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब मैं चलती हूँ। अरे ठहरो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। क्या है? ये लो, ये सोने का पंखा और ये चांदी का पंखा। अरे इस पंखों का मैं क्या करूँगी? अगर चांदी का पंखा हिलाओगी तो चांदी के सिक्के गिरेंगे, सोने का पंखा हिलाओगी सोने के सिक्के गिरेंगे, तुम्हारी सब समस्या का हल निकल आएगा, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। हाँ ले जाओ इसे और इसका इस्तेमाल करो, लेकिन अच्छे कामों के लिए करना। जहाँ लालच या धूर्तता दिखाई, वहाँ ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं क्यों लालच और धूर्तता दिखाऊंगी, बिल्कुल दो मुझे ये। वाह वाह वाह, इसे ले जाती हूँ पहले मंगरू के ढाबे में, खाना खाती हूँ, भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे मंगरू, मुझे कुछ अच्छा खाना खिला। आओ आओ मौसी, सुना था तुम जंगल चली गई थी। अरे तू अपने काम से मतलब रख, मुझे खाना खिला दे। हाँ हाँ मौसी, अभी खिलाता हूँ। चलो खाना तो खा लिया, अब एक घर का इंतजाम करना होगा। चले जाओ यहाँ से, वरना टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। हाँ मालिक, मुझे तो भूख भी लगी है मालिक। अरे रे, क्या हो गया? ए नास पीटे, मुखिया क्या कर रहा है तू? और तू टीकू, तू भी यहाँ पहुँच गया है? अरे मौसी मुझौसी, दूसरे के पंगे में नाक क्यों घुसेड़ रही है? तुझे भी समझ में नहीं आता है क्या? अरे ये क्या बात हुई, दूसरे का मसला? अरे मैंने पूछा क्या हुआ वो बताओ। अरे क्या हुआ बुढ़िया? बुढ़िया हुआ यही कि इसके पास मेरा बहुत सारा कर्जा है और ये काफी समय से नहीं चुका पा रहा है। क्या करता बताओ, इसे तो निकालना ही था ना। क्यों रे कलमुहा कलमुही, कितने पैसे ले रखे हैं? मौसी 10,000 रुपए ही लिए थे, लेकिन अब ये मुखिया कह रहा है 1,00,000 रुपए हो गए। अरे रे, ये तो इस कमीने का काम है।
है। तू इसे जाने या ना जाने, मैं तो इसे बरसों से जानती हूँ। ये ऐसा ही है, ये मुआ लोगों को परेशान करता रहता है, कोई नई बात नहीं है। सुन मुखिया, यहीं खड़ा रह, मैं 100 सोने की मुद्राएं लाती हूँ और वो मैं तुझे दे दूंगी, इसका घर छोड़ देना। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छी बात है, दे दो मुझे नेकी और पूछ जिसे अपने बच्चों ने निकाल कर बाहर फेंक दिया हो, वो मुझे 100 सोने की मुद्राएं दे रही है। मालिक, थोड़ी देर देख लीजिए ना, शायद ये दे दे। आ रही हूँ मैं। और मुखिया बाज को बढ़ाती है। ये ले, ये रही तेरी मुद्राएं। अरे सचमुच, ये तो सोने की मुद्राएं हैं। अरे बुढ़िया, तुझे कहाँ मिला, कहाँ से तू ले आई इसे? अरे दीदी, आम खा, गुठलियाँ मत गिन, अब घर छोड़ और निकल यहाँ से। अरे रे, चल तुझे तेरा घर मिल गया, अब मैं निकलती हूँ। अरे मौसी, कहाँ निकलोगी तुम, तुम्हारे बच्चों ने भी तो तुम्हें निकाल ही दिया है, हमारे ही साथ रह जाओ। वैसे भी ये घर तो तुम्हारा ही है, तुमने ही इसे छुड़वाया है मुखिया बाज से। अरे रे, देख भाई, मैं मुसीबत नहीं बनना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी मुसीबत बन गई, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती हूँ। अरे नहीं मौसी, मुसीबत की कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी खेती से ही गुजारा करता हूँ, तुम्हें भी वही खिलाऊंगा जो मैं खाऊंगा, और तुम हमारे साथ आराम से रह सकती हो। चल अगर ऐसा है तो मान लेती हूँ तेरी बात। अरे बिजली, यहाँ तो जोरदार बारिश शुरू हो गई, अब ऐसा लगता है पता नहीं मेरी फसल बचेगी कि नहीं बचेगी। अजी, अब जो होगा सुबह देखना, अभी परेशान ना हो। अरे क्या हो गया, क्यों तुम लोग आपस में परेशान हो रहे हो? मौसी पता नहीं इस बारिश में मेरी पूरी फसल बर्बाद ना हो जाए। अरे नहीं होगी बर्बाद, तू क्यों परेशान होता है, सुबह देखना। हाय हाय, जो मैंने सोचा था वही हुआ, मेरी बुरी किस्मत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, ये क्या एकदम पनौती सी लग गई है। अरे क्या हो गया, इतने उदास क्यों हो? अरे बिजली, हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अरे तो तू चिंता क्यों करता है, मैं अभी 100 मोहरे देती हूँ। और तेरी कोई समस्या नहीं रहेगी। अरे मौसी, इतना धन तुम कहाँ से लाती हो? देख, आम खा, गुठलियाँ मत गिन। ठीक है मौसी, इतने में तो मैं छप्पर भी ठीक करवा लूँगा, और मैं सोचता हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा था एक ढाबा बनवाने का, ढाबा भी बनवा लूँगा। अरे रे रे, जो तेरी मर्जी हो वो कर, अच्छे से कर लेगी। अरे भैया, तुमने देखा है? क्या देखा है? भैया, माँ कालू और बिजली के साथ रह रही है और बहुत सारा धन भी दे रही है। कालू बिजली ने अपना ढाबा भी खोल लिया है, बहुत बड़ा घर भी बना लिया है। अरे ये सब कैसे, जरूर कोई बात है, हमें छिपकर देखना होगा, आखिर इस बुढ़िया के हाथ में ऐसा क्या लगा है कि ये धन पे धन दिए जा रही है, यहाँ तो हमें कभी धन नहीं
दिया, जबकि हम उसके अपने बेटे हैं। हाँ भैया, वही तो कह रहा हूँ। छोटे सुन, तू खिड़की से उनके घर पे नजर रख, खास कर माँ के ऊपर नजर रखेगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। ठीक कह रहे हो भैया, वही करूँगा। अच्छा, तो ये है वजह है। कोई नहीं, अभी जाता हूँ, भैया को बताता हूँ। ओ भैया सुनो सुनो, माँ के पास सोने और चांदी की दो पंखे आ गए हैं। वही पंखा कभी सोने का कभी चांदी का मोहर देता है। अरे अगर ऐसा है तो वो पंखा तो हमारा होना चाहिए, रात में हम चोरी करेंगे। हाँ भैया एकदम ठीक। ये देख छोटे, अब तो हम माला माल हो गए। हाँ भैया, अब तो खूब माला माल हो गए, एकदम से गांव के सबसे अमीर। भैया देख क्या रहे हो, पंखा डुलाओ और असरफिया लाओ। अरे छोटे ये क्या हुआ, ये क्या है? अरे भैया ये लगता है ये जादुई पंखा हमें सजा दे रहा है, हमने लगता है गलत कर दिया है। अरे अब क्या होगा, हम कहाँ उड़ रहे हैं, हमें तो खुद ही पता नहीं चल रहा है। अरे मौसी घर में हो क्या? अरे हाँ हाँ आओ गुन्नू आओ, क्या बात है? अरे मौसी एक बड़ी अजीब सी खबर लाया हूँ। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे दोनों बेटे कल उड़ गए हैं। अरे ये क्या कह रही हो? हाँ मौसी, पता नहीं हवा और तूफान का झोंका आया, सिर्फ उनका ही घर तोड़ गया है और घर में कोई सामान कुछ नहीं बचा है। सुना है तुम्हारे बच्चों को किसी ने तूफान में उड़ते हुए देखा था। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, न जाने वो कहाँ चले गए, ऐसे तो वो कभी नहीं वापस आ पाएंगे। अच्छा मौसी मैं तो चलता हूँ। तुमने आज तक मुझे असरफियाँ दी है, मुझे अब असरफियाँ नहीं चाहिए, तुम वापस चले जाओ लेकिन मेरे बच्चों को ला दो। अरे छोटे हम कोई सपना देख रहे थे क्या? पता नहीं भैया, लेकिन मुझे तो सपना जैसा नहीं लगा। अरे देख रहे छोटे सब तो फिर ठीक ही है। हाँ भैया पता नहीं, चलो भैया कोई बात नहीं है, अब मेहनत करते हैं, मेहनत करके काम करेंगे और अपनी माँ को भी ले आएंगे। हाँ हाँ छोटे बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, हमने बड़ी गलती कर दी थी, हम जाएंगे और ले आएंगे। अम्मा अम्मा घर चलो। हाँ अम्मा घर चलो, हमें समझ में आ गया है, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो तुम लोग अगर पंखे की लालच में आए हो तो पंखा मेरे पास अब है नहीं, और दूसरा मैं अब यहाँ खुश हूँ, तुम चाहो तो बीच बीच में मिलने आ सकते हो, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली। और मीनू मौसी भी कालू बिजली के साथ बहुत खुश थी।